हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ करंट इंग्लिश का छोटा सा न्यूज, जिसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिसके थ्रू आपको सीखने को मिलेगा इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और ग्रामर भी आप सीखेंगे। तो गाइस, अपने इंग्लिश को अच्छी करने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश की न्यूज है, जिसमें चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ अनाउंस्ड दैट ₹20,000 वुड बी गिवन टू ईच गर्ल हु टेक्स एडमिशन इन कॉलेजेस। यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है, यानी घोषणा किया है कि दैट यानी कि 20,000 वुड बी गिवन, यानी 20,000 दिया जाएगा टू ईच गर्ल, हर लड़की को, हु टेक्स एडमिशन, जो प्रवेश लेती है, जो एडमिशन लेती है इन कॉलेजेस, कॉलेज में जो एडमिशन लेती है उसे 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट की ही न्यूज है। जो भी आपकी बहन होंगी या आसपास की लड़कियां होंगी जो कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, उन्हें आप बता सकते हैं, ठीक है, ताकि उनका एक जो है मोटिवेशन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन लें और लड़कियों की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बढ़े। इसलिए ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है, ये उनका प्लान है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझते होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल हेल्प वुड बी गिवन अंडर लाडली लक्ष्मी स्कीम, चौहान सेड ऑन संडे। तो देखिए, फाइनेंशियल मतलब होता है आर्थिक, हेल्प यानी मदद, वुड बी गिवन यानी दिया जाएगा, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद दी जाएगी किसके अंडर, अंडर यानी अंतर्गत, किसके अंतर्गत, लाडली लक्ष्मी स्कीम यानी लाडली लक्ष्मी जो योजना है, स्कीम है, उसके तहत जो है उनको ये बेनिफिट, ये हेल्प मिलेगी। चौहान सेड ऑन संडे, तो चौहान जी ने संडे को कहा, ठीक है, ये बात उन्होंने संडे को कहा, बताया। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप इनके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, राइट, तो ये भी आपको सीखते रहना है। नेक्स्ट है, CM made this announcement on the occasion of रक्षाबंधन festival। तो जब रक्षाबंधन के थोड़ा पहले जो फेस्टिवल था, यानी संडे को रक्षाबंधन था, उसी दिन उन्होंने इस अवसर पर घोषणा किया। CM made this announcement, तो made यानी होता है बनाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, एक घोषणा बनाया, उन्होंने एक घोषणा किया। तो इसका जो ऑलमोस्ट टोटल मतलब निकलेगा इस सेंटेंस का हिंदी में, वो ये होगा कि उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने इस बात की घोषणा की या उन्होंने इस घोषणा को बनाया, ऐसा थोड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसका जो परफेक्ट हिंदी होगा वो होगा कि उन्होंने घोषणा किया, अनाउंसमेंट उन्होंने किया। ठीक है, ऑन द ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर, तो अवसर पर, ऑन मतलब पर, तो किस अवसर पर, रक्षाबंधन फेस्टिवल यानी त्यौहार, तो रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा किया। नेक्स्ट, आई एश्योर, एश्योर करना मतलब कि भरोसा दिलाना या फिर आश्वासन देना, तो मैं ये आश्वासन देता हूँ या मैं भरोसा दिलाता हूँ, तो आप कहेंगे आई एश्योर दैट यानी कि द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड अरेंजमेंट्स आर बींग मेड फॉर इट, ही ट्वीटेड। तो चौहान जी ने ट्वीट किया है, ठीक है, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है, यानी अपनी इस बात को उन्होंने लिखा है कि मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो विल टेक केयर, वो देखभाल करेगी। टेक केयर मतलब होता है परवाह करना या देखभाल करना, विल यानी आगे के फ्यूचर में, तो वो देखभाल करेगी किसका, ऑफ हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा का या उच्च शिक्षा का, किसके, गर्ल्स के, ऑफ गर्ल्स, ऑफ यानी का की के, तो लड़कियों के हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा का, उच्च शिक्षा का वो देखभाल करेगी यानी ध्यान रखेगी। एंड अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स आने होता है व्यवस्थाएं, तो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड, तो आर बीइंग मेड यानी बनाया जा रहा है, फॉर इट
इसके लिए, फॉर याने के लिए, इट याने इसके लिए, इस या यह है जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए। ही ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया यानी ट्विटर पर उन्होंने ऐसा लिखा। नेक्स्ट है, ही सेड दैट पीपल वर अपोज्ड टू द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस रिक्रूटमेंट बट द स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व्ड 30% पोस्ट फॉर वुमेन। ही शेड, उन्होंने ये भी कहा कि पीपल वर अपोज्ड यानी लोग खिलाफ थे, वर यानी थे, अपोज यानी होता है खिलाफ होना किसी के, तो लोग खिलाफ थे टू द रिजर्वेशन, किसके खिलाफ थे, रिजर्वेशन के खिलाफ थे यानी आरक्षण के खिलाफ थे। फॉर वुमेन, वुमेन के लिए, औरतों के लिए जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, उसके खिलाफ थे। इन पुलिस रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, तो पुलिस की भर्ती में, ठीक है, इन यानी में, बट द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है, रिजर्व्ड यानी होता है संरक्षित करना या सुरक्षित करना, तो सरकार ने 30% जो पोस्ट हैं, पद हैं औरतों के लिए, फॉर वुमेन के लिए, उन्होंने रिजर्व किया है कि इस इतने पोस्ट में गर्ल्स को ही दिया जाएगा, बैठाया जाएगा, राइट। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब गर्ल्स आगे सामने आएंगी, देश में हमारे हर तरह की जो पोस्ट हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, तो ओवरऑल क्या है, हमारे देश की ग्रोथ जल्दी होगी और उनको भी अपना अधिकार मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके लिए हम चौहान जी की प्रशंसा करते हैं कि ये काफ़ी अच्छा उनका कदम है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ यह है, नॉट ओनली दिस, नॉट यानी नहीं, तो ना सिर्फ यह है, 50% ऑफ पोस्ट्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए, वुमेन यानी औरत के लिए, 50% जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो रिजर्व किए गए हैं, वो संरक्षित किए गए हैं इन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों की भर्ती में, इन द रिक्रूटमेंट यानी भर्ती में, ऑफ यानी के, टीचर्स यानी शिक्षकों के भर्ती में 50% सीट रिजर्व है, यानी कि आधी सीटों में तो औरतों को ही दिया जाएगा, जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसकी आधी, ठीक है, तो उसमें औरतों को ही दिया जाएगा, उसमें पुरुष जो है आ ही नहीं सकते, वो रिजर्व है, उनके लिए सुरक्षित है, राइट। हैव बीन रिजर्व्ड यानी रिजर्व्ड किया जा चुका है, यानी किया गया है, ऐसा ही शेड, उन्होंने कहा है, ठीक है। तो हैज़ बीन के बाद अगर कोई थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर आप समझोगे कि वो काम किया जा चुका है या ऐसा किया गया है। तो ग्रामर के साथ आप समझेंगे तो आपको जो है इंग्लिश सीखने में आसानी होगी और आप एक परफेक्ट हिंदी निकाल पाएंगे। वी हैव मेड अ पॉलिसी, हमने बनाया है, हैव मेड, हमने बनाया है या बना चुका है, तो एक नीति हमने बनाई है दैट कि इफ़ अ प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, यदि प्रॉपर्टी जो होती है जैसे ज़मीन जायदाद है, घर है, अगर वो रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है, यानी उनके नाम पे की जाती है, किनके नाम पे, इन द नेम ऑफ अ वूमन, औरत, अगर औरत के नाम की जाती है, ठीक है, जैसे घर की रजिस्ट्री होती है या फिर ज़मीन जायदाद है उसकी अगर रजिस्ट्री की जाती है, तो द फी विल बी ओनली 1%, जो रजिस्ट्री की फीस होती है, ठीक है, जब रजिस्टर करवाते हैं ज़मीन और घर तो पैसा लगता है उसमें और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया कि जो फीस होगी, जो हम फीस गवर्नमेंट लेगी, वो केवल 1% होगी, विल बी यानी होगी, ओनली 1%, मात्र 1% होगी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट कि ड्यू टू 1% रजिस्ट्री फीस, यानी 1% रजिस्ट्री फीस के कारण, ड्यूटी वाले कारण, 10% रजिस्ट्री हैज़ बीन डन, 10% जो रजिस्ट्री थी वो बढ़ गई है, ठीक है ना, क्योंकि लोग को फ़ायदा चाहिए
और वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी करवाने में उन्हें फ़ायदा ये है कि जो रजिस्ट्री फीस है वो केवल 1% ही लगेगी, इसलिए लोग ज़्यादातर उन्हीं के नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं। तो हैज़ बीन डन इन द फेवर ऑफ वुमेन, फेवर मतलब होता है के पक्ष में, तो औरतों के पक्ष में जो रजिस्ट्री है वो बढ़ गई है, 10% उसमें बढ़ोतरी आई है। ठीक है, चौहान सैड, चौहान ने कहा, यानी कि इस काम की बड़ी सफलता है, वो सफलता बता रहे हैं कि हमने जो ये कदम उठाया है उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है, औरतों को अधिकार मिला है, उनके नाम पे जो रजिस्ट्री हैं वो बढ़ी हैं। नेक्स्ट है, ही फर्दर सैड, उन्होंने आगे कहा दैट कि 50% ऑफ सीट्स, यानी जो जितनी भी सीट्स होंगी, जितनी भी वैकेंसी होगी, भर्तियां होंगी, उनका 50% इन द लोकल बॉडी इलेक्शन, इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शन मतलब कि जो आम चुनाव होते हैं, जैसे महापौर को हो गया, सरपंच को हो गया, जो छोटे मोटे चुनाव हैं ये लोकल बॉडी इलेक्शंस, इनमें उनको 50% का भी छूट दिया गया है, उनकी सीट जो है वो रिजर्व है। हैड बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन, फॉर वुमेन, औरतों के लिए, वुमेन, वुमेन के लिए वो रिजर्व्ड है, यानी संरक्षित है। अब यहाँ हैड बीन आ गया, ठीक है ना, तो हैड पास्ट में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका मतलब होगा कि किया जा चुका था, मतलब पहले ही ये काम किया जा चुका था, उन्होंने ऐसा कहा, राइट। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पर बिलीव फर्स्ट फॉर्म में है और सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ इसका हिंदी निकालेंगे कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, आई बिलीव दैट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आप इसका मीनिंग निकालेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि दैट इफ द कंट्री इज टू बी एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मतलब होता है सशक्तिकरण करना, यानी शक्ति प्रदान करना, यदि हम चाहते, मैं विश्वास करता हूँ कि यदि कंट्री को, यदि कंट्री को एम्पावर्ड, एम्पावर्ड किया जाना है, यानी सशक्त किया जाना है, मजबूत बनाया जाना है, इन द ट्रू सेंस, इन द ट्रू सेंस आने के सही मायने में, सच्चे सेंस में, सही अर्थ में, ऐसा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी, यदि हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं तो जो वुमेन है, जो औरत है, उनका एम्पावरमेंट यानी उनका सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, इज नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, ज़रूरी है। वी हैव डिसाइडेड, वी यानी हमने, हैव डिसाइडेड निर्णय किया है, हमने निर्णय लिया है, टू गिव गवर्नमेंट गारंटी, यानी सरकारी गारंटी देने के लिए, सरकारी गारंटी देने के लिए, दैट लो इंटरेस्ट लोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने ये निर्णय किया है कि हम जो है एक सरकारी गारंटी उन्हें प्रदान करेंगे, जिसमें उन्हें लो इंटरेस्ट, उन्हें कम ब्याज पर, लो यानी कम, तो कम ब्याज पर उन्हें लोन हम प्रदान करेंगे, किनको, टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी होता है स्वयं सहायता समूह, आप सुने होंगे कि औरतों का एक स्वयं सहायता समूह बनता है, जिसमें वो अपने बिजनेस के लिए, धंधे के लिए जो है सरकार से पैसे लेती हैं और उनको बहुत कम ब्याज दर पे उन्हें पैसा मिल जाता है, तो उन, उसको जो है स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह में जो औरतें काम करेंगी उनको हम जो है बहुत लो इंटरेस्ट में ब्याज प्रदान करेंगे। तो गाइस, ये आज का न्यूज का ट्रांसलेशन रहा, आई थिंक आपको पसंद आया होगा गाइस, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आने वाली
का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।